नमस्कार दोस्तों, आज 3 नवंबर 2022 दिन गुरुवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां हैं, जानते हैं आज के क्या कुछ रेट खुले। दोस्तों और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो भी भाई साहब रेट बताएंगे ये दोस्तों 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। जान लेंगे भाई साहब से आज का जसकरण, भाई साहब से नई गाड़ियाँ कितनी आई, पुरानी कितनी, क्या क्या रेट खुले, क्या कुछ आज का रेट है। दोस्तों आज मेरी 10:09 पे एक स्पेशल वीडियो आएगी, यदि आप भी बड़ी मोटी खेती करते हो, कोई और सिस्टम हो तो आप भी उस वीडियो को जरूर देखना, हर फसल लगा कर देखनी चाहिए, चाहे थोड़ी लगाओ देखनी चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं आज का आलू का क्या बाजार है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी। भाई साहब जी आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ियां हैं जी, क्या क्या रेट खुले जी। राणा जी अभी तक आप देख रहे थे, हम दो दिनों से 140-150 थोड़ा लेट हो गया जी आज। नहीं नहीं राणा जी, आपको सही बात बताएं, हम अपने आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल सही टाइम है जो आप जो इस टाइम पे आए हो, आप समझ लो 9:54 हो गए, बिल्कुल ये सबसे सही टाइम है। अच्छा, चक्कर क्या है आप देखो, हम लोग सुबह 6:30 के आए होते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, प्लस गाड़ियों की अराइवल बढ़ रही है, तो ग्राहक जो है वो थोड़ा लेट आता है, वो एक्चुअल जो ग्राहक आता है इस टाइम पे वो 8-9 के बाद आता है। अच्छा, तो जो रेट जो खुलते हैं ना, जो हम आपको एक्चुअल रेट बता पाते हैं, हमको प्रिडिक्शन नहीं बताने की ये खुलेगा ये बिकेगा, जो एक्चुअल रेट है वो ये टाइम सबसे बढ़िया आने का। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, इससे हमारे किसान भाइयों, हमारे व्यापारी भाइयों, कोल्ड वालों तक एक्यूरेट रेट पहुंचेगा कि क्या। अच्छा, रेट मंडी में चल रहा है। तो आज की क्या पोजीशन है जी, मुझे अलग रख कोई बाकी कुछ है जी गड़बड़। आज मैं आपको देखो सही बात बताया राणा जी, तो गाड़ियों में जरूर थोड़ी सी गिरावट आई है, 10-20 गाड़ी डाउन हुई है, 2-4 दिन से 150 गाड़ी के लगभग मंडी में आ रही थी। हाँ जी। आज मंडी के अंदर 120 गाड़ी की रिपोर्ट है, 5-7 गाड़ी बाद में आई है, तो 125-30 गाड़ी मान के चलो। अच्छा, ठीक है, कल परसों के मुकाबले 10-20 गाड़ियां कम हुई हैं, नई अराइवल। हाँ जी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, बैलेंस खत्म नहीं हो रहा मंडी में। एक तो 50-55 गाड़ी तो कल की बैलेंस खड़ी है, जो आधी गाड़ियां पौनी गाड़ियां जो खड़ी होती हैं। अच्छा जी। प्लस जो आप ये डंप देख सकते हो, अभी जो पहाड़ फिर से मंडी में बनना शुरू हो गया है। हाँ जी। कल की जो रिपोर्ट आई है रात की, कल रात को जो गिनती हुई है 18,000 कट्टे की गिनती आई है जी रात को जी। बिल्कुल, ये आप अपने इसमें भी दिखा सकते हो, कल की जो गिनती आई है वो 18,000 बैलेंस है जी, 2/11/2022 18,000 कट्टे बैलेंस पड़ पे, 51-55 गाड़ियां जो हैं वो बैलेंस खड़ी हैं। अच्छा जी, और ये 6 गार्ड क्या? ये 6 गार्ड होते हैं जो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जो ध्यान गार्ड रखते हैं, ऑन ड्यूटी, इसका मतलब होता है जो यहाँ पे रात को सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना। हाँ जी। जो यहाँ पे पूरा ध्यान देते हैं। अच्छा, पूरा हमारे कट्टे वगैरह रात को गायों से चोरों से देखभाल वगैरह करते हैं। अच्छा, तो पूरा से डाटा बनता है हमारे पूरे 14 नंबर शेड का, आलू के फड़ का। अच्छा जी। तो ये मान के चलो कि अगर हम आज रेटों की बात करें तो बाजार ऑलमोस्ट कल जैसे ही है, 10-5 बढ़िया आलू 10-20 रुपए जो है वो थोड़े से अच्छे बिके हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास आज सारे आलू अच्छे बढ़िया आलू आए हुए हैं। हाँ जी। ये सूर्य आए हुए हैं, ये चंदोसी के चिप्सोना है। हाँ, दोनों लॉट वो सामने गुल्ला है। पहले बात करें सूर्य की, जो चंदोसी वाले और वो अलीगढ़ इगलास वाले, इनमें क्या क्या रेट ऐसा है जी? ये जो है ना राणा जी, ये वाला में थोड़ा सा ना गोल दाना बीच में मिक्स है, गोल दाने की थोड़ी चीज में शिकायत है, प्लस इस टाइम ना लूजपन की शिकायत ज्यादा आ रही है। अच्छा जी। है ये चंदोसी का ही आलू। अच्छा, लेकिन ये देख लो जैसे अभी जैसे वो बूढ़े के होते हैं ना, कैसे झुरियां पड़नी। हाँ जी। वो शुरू हो जाती है आनी। अच्छा, तो ये जो आलू जो बिक रहा है वो मान के चलो 1300 से लेके 1500 रुपए तक की रेंज में बिक रहा है, 200 रुपए का फ्रैक्शन आ रहा है। अच्छा, जो VIP आलू है बोरी के अंदर आ रहे हैं, बढ़िया तिरंगा मार्का वगैरह चंदोसी से। हाँ जी। चंदोसी बिसोली वजीरागंज जो भी बेल्ट है यहाँ से, वो तो बिक रहे हैं 1500 रुपए तक, बढ़िया VIP आलू। अच्छा जी। जो एवरेज है, जो हल्के जिसको कह सकते हैं, जिनमें ये झुरियां पड़ रही है, ये हल्के आलू है, ये बिक रहे हैं 1250-1300 से लेके 1350-1400 रुपए तक। अच्छा जी। जी, अगर हम बात करें यही चंदोसी के चिप्सोने वगैरह की। हाँ जी। तो ये बिक रहे हैं 1300 से लेके 1350 रुपए तक का। अच्छा जी। कोई इक्की दुक्की लॉट जो सामने रात को माशा कर उठा ले वो 1400 रुपए बिक जाता है। अच्छा जी। लेकिन चक्कर क्या है इस टाइम पे, ये गुल्ला आप देख सकते हो, ये गुल्ला मीडियम बम्पर, इनकी थोड़ी सी इस टाइम पे कीमत ज्यादा है। हाँ जी। और इनकी बिक्री अच्छी है। हाँ जी। आलू को जो है थोड़ा सा ग्राहक कम पकड़ रहे हैं। तो जो बात करें इसकी, जो चिप्सोना की, जो दूसरे वाले इलाके हैं जी, उनका क्या रेट है जी? अगर हम आगरा अलीगढ़ की साइड की बात करें तो वो बिक रहा है 1100 से लेके 1150-1200 रुपए तक, कोई VIP लॉट आ जाए तो 1100 से 1200। यानी 1100 भी चिप्सोना है, और इसका हाई रेट टॉप क्लास क्या चला गया जी? वो 1350 रुपए तक, 1350-1400 रुपए तक चिप्सोने का। यानी 1100 से 1400 तक का चिप्सोने का रेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो अंतर आ जाता है जी। बिल्कुल जी, सबसे बड़ी बात है आलू में क्वालिटियां इतनी आ रही हैं। हाँ जी। आलू एक आ रहे हैं जो बिल्कुल टाइट आलू होते हैं, जो माशाखोरों के मतलब के होते हैं, वो तो रात को रातों रात उड़ जाते हैं। हाँ जी। उनका रेट तो हम जो मर्जी रात लगा दें सुबह आके। हाँ जी। उसके बाद जो ये आलू होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा कच्चा छिलका,
और जो इस टाइम स्प्राउटिंग की इतनी दिक्कत आ रही है, जो किल्ले निकलना, क्योंकि मशीनें बंद हो चुकी हैं पीछे, हाँ जी, आलू के अंदर लूसपन और स्प्राउटिंग की जितनी दिक्कत आ रही है, इस चक्कर के अंदर आलू के रेटों के अंदर इतना फ्रैक्शन आ रहा है। अच्छा, एक 1400 बिक रहा है, और उसी टाइप चिप्स होना दूसरे इलाके का वो 1100 बिक रहा है। अच्छा, 1050 रुपए तक भी बिक रहा है। और जो बात करें जी 3790 की, अगर 3790 की बात करें, इसके अंदर भी फ्रैक्शन अच्छी चल रही है। हाँ जी। अगर जो VIP आलू है वो आज भी 1000 रुपए तक बिके हैं, अगर जो नीचे की तरफ चले तो आलू 700 रुपए तक है। इसमें आप ये समझो 300 रुपए का जो है वो ऊपर नीचे चल रहा है, क्योंकि इतने आलू के अंदर इसमें क्वालिटी हल्की आनी शुरू हो गई है, इतनी दब, इतना हरापन, इतना इसके अंदर कहते हैं ना बीच में स्प्राउटिंग, जो किल्ले की शिकायत होती है। हाँ जी। लूजपन तो 3790 में इस टाइम भरपूर आ रहा है। हाँ जी। और जो टाइट आलू आ रहा है, VIP आलू आ रहे हैं, अच्छे आलू, वो तो रातों रात बिक जाते हैं। हाँ जी। उसको ग्राहक नहीं छोड़ते, उसको माशागोर नहीं छोड़ते। हाँ जी। तो इसी चक्कर के अंदर अब सबसे बड़ा जो हमको दिक्कत क्या आ रही है, गुल्ले का आलू, ये जो गुल्ले को चले, मीडियम आलू की तरफ चले, बम्पर की तरफ चले, इनकी बिक्री तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी। लेकिन आलू से अभी थोड़ा सा ग्राहक परहेज कर रहा है। आलू जो बढ़िया VVIP है वो तो बिक रहे हैं, लेकिन जो एवरेज आलू है ये बेचने भारी पड़ रहे हैं। और मंडी में यही ज्यादा है। बिल्कुल, आप पूरा कैमरा घुमा के देख सकते हो, 18,000 जो ये नीचे कट्टे उतरे हैं, ये यही वाले लॉट है। अच्छा। जो सामने कहते ना, जो बूढ़े आलू हो लिए, जिनका थोड़ा सा श्रिंकेज आ गए, जिनमें किल्ले वगैरह आ गए। तो हम लोग अब किसान भाइयों से, कोल्ड वालों से, व्यापारी भाइयों से यही बात करेंगे, आलू को धीरे धीरे निकालते रहो। हाँ, आलू को रोकने में कोई फायदा नहीं है। हाँ, आलू के रेट अभी भी अच्छे चल रहे हैं। आलू का रेट जो भी आपको हिसाब लगता है, धीरे धीरे करके निकालते रहो। हाँ जी। इतना भी मत निकालना कि सीधा एकदम या बम फट जाए और बिल्कुल सीधा सीधा 100-200 रुपए डाउन हो जाए। अच्छा। और इतना कम भी मत करना कि आलू के पीछे बिल्कुल मारो मार हो जाए। यानी जो पिछले 3-4 दिन गए, 5 दिन सोए, शनिवार शुक्रवार, ये बिल्कुल बढ़िया थे जी 3-4 दिन। आलू देखो, अगर हम बात करें जी, धीरे धीरे आलू बिक रहा है, लेकिन हम कहें ना एकदम इतना अच्छा उठाव भी नहीं कह सकते आलू का कि बहुत तेजी आ रही है, ये हमको दिख रहा है आगे बहुत बढ़िया रेटों में। अच्छा, माल मांग रहा है जी। आज मंडी के अंदर एक गाड़ी और थी नए आलू की, वो 1800 रुपए बिकी है गाड़ी। अच्छा जी। जी, छोटी गाड़ी आई थी 225 कट्टों की। हाँ जी। तो वो 1800 रुपए बिकी है। 1800 में भी गई, 1800 पूरी 1800 रुपए बिकी है जी। वो मंडी वालों ने लिया, थोड़ा अच्छा था आलू, रंगदार आलू था, पिछली बार से अच्छा था, तो वो सारा मंडी वालों ने लिया है। अच्छा जी। अगर हम बात करें गाजीपुर मंडी की, वहाँ पे भी आज एक गाड़ी गई है नए आलू की। हाँ जी। वो ऊना का आलू था, ऊना का, वो 1700-1750 रुपए वहाँ पे बिका है। अच्छा जी। 200 कट्टे का था, छोटी गाड़ी थी, कैंटर। हाँ जी। वो आप वहाँ पे 1700-1750 रुपए बिकी है। अच्छा जी। बिल्कुल। जोर था यहाँ पर आया, माल बढ़िया था जी। बिल्कुल 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 थी। अभी आप राणा जी, आप देख सकते हो, अभी आपके सामने मैं कोल्ड वालों से एक बात कर रहा था, हमारे बड़े खास कोल्ड वाले हैं। हाँ जी। उनसे भी मेरी यही बात चल रही थी, हमने वो गाड़ी के लिए, उन्होंने हमसे पूछा कि हम गाड़ी बना रहे हैं आपके लिए, हमारी जो आज की डिमांड, आज की डेट में अगर हम आड़ती से पूछोगे ना। हाँ जी। हम लोग गुल्ला, हम लोग मीडियम चाल का जो आलू होता है, हम लोग बम्पर। हाँ और किर्री, ये सब चीजें बड़ी आसानी से बिक रही हैं, और ग्राहक सबसे पहले इन आलुओं को पकड़ रहा है। हाँ जी। जो ये मोटे आलू है ना, जिनको ये आप देख सकते हो। हाँ जी। ये आलू आप देखो 1350 रुपए आज हमने मंडी के अंदर बेचा है, ये एक लॉट। हाँ जी। सबसे बढ़िया लॉट था ये वाला, ये अच्छा आप असल देख सकते हो। अच्छा। ये 1350 का बिका है। हाँ जी। अब आप इसमें 7% खर्चा लगाओगे तो ये 1450 रुपए हो गया, एक तरीके से मोटा मोटा 30 रुपए किलो पड़ गया। हाँ जी। हाँ जी। अब ग्राहक इसलिए इन आलुओं को नहीं ले पा रहा क्योंकि 30 रुपए किलो आलू तो यही पड़ गया। हाँ जी। बाहर मंडियों से बाहर वो बेचारे 35 रुपए से आलू को बेच नहीं पा रहे। हाँ जी। जिसके चक्कर के अंदर उनका जो है इसकी तरफ जो है रुझान इतना बढ़ नहीं पा रहा। अच्छा। इसलिए हर बंदा ये गुल्ले, जैसे ये 1050-1100, थोड़ा मोटे गुल्ले में जाए तो 1200-1250 उनकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा। बम्पर साइज भी है, वो होटल वाले सप्लाई वाले ले रहे हैं। अच्छा। ये आलू जो है ना, ये आलू थोड़े से कम बिक रहे हैं। अच्छा जी। जी, तो हम लोग यही कहेंगे थोड़ा क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, धीरे धीरे आलू को निकालते रहे। मार्केट पूरी लाल है, अच्छी गर्म है मार्केट, आलू को लंबा रोके ना, धीरे अच्छा धीरे करके निकालते जाओ ताकि जो भी टाइम बचा है ज्यादा भी ना जाए। बिल्कुल। और इतना लंबा भी ना रखें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है किसी को भी अभी तक एक्चुअल पोजीशन समझ नहीं आ रही कि आलू पीछे कितना बचा है कितना नहीं, जितने मुंह उतनी बातें हैं। अच्छा, जिनसे भी पूछोगे हर बंदे की स्टेटमेंट अपने हिसाब से हो रही है, कोई कह रहा है जी निपट लिया, कोई कह रहा है 5% है, कोई कह रहा है 10% है, कोई कह रहा है 15-20% आलू है। अच्छा, तो सब जितने मुंह उतनी बातें हैं हर, तभी हम यही कहेंगे धीरे धीरे आलू को निकालते चले, अपने हिसाब से चले, लंबा रिस्क की तरफ ना चले, क्योंकि नए का भी बिल्कुल जिनमें कैपेबिलिटी है, जिनमें कहते ना जिनके अंदर हिम्मत है कि हमारा आलू आगे 800 का बिके 700 का बिके हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो आलू को रोक सकते हैं। हाँ, लेकिन जो बेचारे पूरे सूरे हैं, जो कहते हैं नहीं जी हमारे पास इतना ही है, वो आलू को निकालते जाओ, आलू के रेट अच्छे हैं, आलू इस टाइम पे बढ़िया बिक रहे हैं, आलू को निकालते जाओ। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जानकारी देने। भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस जी। हाँ जी, नए आलू की ये है। हाँ जी, हाँ जी, नया आलू का इस समय ये पोजीशन है कि अगर जो और 5-7 दिन में
नए आलू की आवक अच्छी हो गई, हाँ जी, तो आलू जो है 1200-1400 रुपए आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जितना भी परचून का ग्राहक है, हाँ जी, उसका ध्यान पुराने से हटके नए के ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, क्योंकि नए की बिक्री फिर बढ़ जाएगी, पुराना जो है उसमें बिक्री, और खासकर इसमें जो ज्यादा फर्क पड़ेगा वो 3700 आलू पे पड़ेगा। अच्छा, चिप्सोना जो है फिर भी चलता रहता है आखिर तक, हाँ जी, तो इसलिए उनकी हम तो यही किसान भाइयों को कहेंगे कि कोशिश करो कि जब तक नए की आवक बढ़े उससे, हाँ, पहले अपने आलू बेच जाओ, हल्के वाले आलू, मतलब अपने बेच जाओ, हल्के या मीडियम लगा लो जी, आप ये समझ लो हल्के आलुओं की उस समय डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, मेहरबानी भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस कौन टाड़ा जी, हमारे दुकान का नंबर है A982 जस्करण ट्रेडर्स, मेरा मोबाइल नंबर है 99999-39604 999-39604। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब का ये कॉन्टैक्ट नंबर है।